दोस्तों, आज के उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का नाम है नेकी का बदला। तो आज हम ये कहानी साथ साथ पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं या उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हमारी ये कहानी कुछ इस तरह है। किसी नदी के किनारे एक दरख्त था। दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता था। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी में हमारे पास खे की आवाज के लिए कोई एक लफ्ज या लेटर नहीं है, तो हम खा के नीचे बिंदी लगाकर उसको ख बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मौजूद है, दरख्त। छत्ते में बहुत सी शहद की मक्खियां रहती थीं। उनमें एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है कि रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर वो निकल ना सकी। वो नदी की लहरों में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने मक्खी को पानी में बहते और हाथ पैर मारते देखा तो उसे उस पर रहम आ गया। वो मक्खी को बचाने की तरकीब सोचने लगा। अचानक वो जल्दी से उड़कर दरख्त के नीचे पहुंच गया। वहां कई सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे शहद की मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता शहद की मक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई और इस तरह वो डूबने से बच गई। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि शहद की मक्खी तो बिल्कुल ही हिलती जुलती नहीं। उसने पानी में चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर उसे दरख्त के नीचे ले आया। कुछ ही देर के बाद शहद की मक्खी हिलने जुलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पत्ते पर चलने लगी। उसने कबूतर की तरफ देखा। कबूतर को यकीन हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी आहिस्ता आहिस्ता उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मक्खी के गायब हो जाने के बाद शहद की सभी मक्खियां परेशान थी। उसे वापस आता देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। कुछ दिन बाद एक शिकारी नदी की तरफ आया। वो नदी के किनारे परिंदों का शिकार करने लगा। उसके डर से सभी परिंदे इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था, वो भी उड़ता हुआ इसी दरख्त के पास आ गया। डर के मारे वो दरख्त के पत्तों में छुप गया। शहद की मक्खियों ने उस कबूतर को देखा और जल्दी से दौड़कर रानी मक्खी को बताया। रानी मक्खी ने फौरन उन मक्खियों से कहा कि हमें किसी भी तरह इस कबूतर की हिफाजत करना चाहिए।
रानी मक्खी की बात सुनते ही बहुत सी शहद की मक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वो कबूतर पर निशाना लगा ही रहा था कि शहद की मक्खियां तेजी से उसकी तरफ झपटी। उन्होंने जगह जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी और मारे डर के अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो देखा कि शिकारी सर पकड़े बैठा है। मक्खियों को देखकर कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने फिर शहद की मक्खियों की तरफ देखा और दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये हमारी रीडिंग के लिए कहानी थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, यानी हमारे पास हमेशा की तरह दो एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जो उर्दू सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज कुछ इस तरह है कि मुंदरजा जैल सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक है, कबूतर ने रानी मक्खी की मदद कैसे की? सवाल नंबर दो है, शिकारी नदी पर क्यों आया था? दूसरी एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदी सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये दूसरी एक्सरसाइज है। दो सवालात उनके लिए भी हैं, निम्नलिखित सवालात के जवाब दीजिए। कबूतर ने रानी मक्खी की मदद कैसे की? शिकारी नदी पर क्यों आया? तो आप ये दो एक्सरसाइज पूरी करें। आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।